यहाँ देख सकते हैं क्रियांश के लिए आया हुआ है दो दो प्यारा प्यारा ड्रेस, जो कि क्रियांश को ऐसा ही पहनता है क्रियांश ज़्यादातर, और सच में बहुत प्यारा है। और ये लाई है क्रियांश की छोटी चाची, इसकी चाची लाई है। हाँ। थोड़ा सा भूल गई हाँ। अपने पापा से, मेरे लिए कुछ नहीं लेके आई है, लेकिन ये कह रही है चूड़ी सिंदूर हाँ, इसलिए जो कि लोटा जोड़ का संबंध है इसलिए थोड़ा बहुत कह देते हैं। नहीं तो ये क्रियांश के लिए पैंट है, और दो ये प्यारा सा देख सकते हैं गंजी टाइप का, जो कि इसी टाइप का क्रियांश ज़्यादातर ये ऐसा ही पहनता है, और इसको हम लोग ऐसा ही पहनाते हैं, और गर्मी का भी सीजन है तो बहुत ही प्यारा है ऋतु, बहुत सुंदर। वैसे ही हमारा मम्मी को पता है कि क्रियांश कैसा पहनता है, हमारा पोता जो है पेंट पहनना उसे चाहता नहीं, इसलिए इतना बड़ा सेट में दिया होगा, इसलिए इतना है ना सेट में देता है, बड़ा पेंट दे देता है, बड़ा है पहन लेगा अब। इसका भाई जो है वो भी नहीं पहनना चाहता है, दोनों भाई अब चाहता है हम खुले घूमें। और ये देखिए क्रियांश को, क्रियांश जो पूरा एंजॉय कर रहा है, इसको अभी क्या पता है न्यू ड्रेस आया है मेरे लिए क्या आया है, इसको कुछ नहीं पता, बस ये एंजॉय कर रहा है, इसको समझ में आ रहा है कि हम लोग कहीं जाने वाले हैं, इसीलिए सारा छटपट कर रहा है इधर। हाँ तो अभी हम लोग जाने वाले हैं, ये समझ गया है कि हमें जाना है, इसको कोई ले जाने के लिए तैयार है, एक ठो है बस बाबा तैयार है, लेकिन बाबा सोच रहे सब मिलके मेरे पे छोड़ देगा, तो इसलिए इसको लेके नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है ओके बाय क्रियांश, ठीक है। और यहाँ पतिदेव जो है एकदम बाहुबली वाला दम दिखाते हुए गेट को खोलते हुए एकदम धीरे खोलते हुए, क्रियांश को पता ना चले। हाँ बिल्कुल। इधर रही हमारी गाड़ी, जल्दी जल्दी निकालिए हमारे ऊपर से कंघी करके बाल में, ठीक है। अब बहुत सारा सामान बचा हुआ है, और शाम में डैडी और इन लोगों को पार्टी में भी जाना है, तो इसलिए जल्दी वापस भी आना है, ये भी बात है। लेकिन होते ना बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो बहुत सारी बातें होती है, बहुत अच्छा लगता है, इस चक्कर में अपना काम भी बहुत सारा छूट जाता है, कि काम भी है हमारे पास कुछ, तो कैसे भी सब कुछ मैनेज करते हैं। और कल जो है पूजा भी है सुबह सुबह, अगर कुछ छूट गया तो फिर लाने में भी बहुत मुश्किल होगी। वैसे तो हम लोग जहाँ रहते हैं मार्केट नज़दीक में ही है, फिर भी बहुत कम लोग हैं, पूजा भी है तो मैनेज थोड़ा करने में मुश्किल हो जाता है, बाकी भगवान की दया रही तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जल्दी से कंघी करते हैं अपने बालों में और निकलते हैं। तो हम सभी बैठ चुके हैं गाड़ी में, मम्मी बैठी हुई हैं, क्रियांश को फाइनली हम लोग लेके नहीं आए, क्योंकि मुझे पता है वो हमारे साथ हमेशा जाता है, वो कुछ भी खरीदने नहीं देगा, और थोड़ा बहुत सामान रहता है तो चलो मैनेज कर लेते हैं, बट अभी बहुत सारा सामान लेना है, और छूटना भी नहीं चाहिए, छूटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह में फिर ऑप्शन नहीं है कि लेने आएंगे। लेकिन उसका जो था जाने का बिल्कुल छू रहा था, मेरा मन हो रहा था बार बार ले जाए, लेकिन ये लोग साथ ले जाते, क्योंकि मम्मी को नहीं पता ना, मुझे पता है। वैसे अभी उसके घर में चाचा चाची दादा दादी सभी है, सभी है हाँ, तो रख लेंगे। तो आए हम है जी दुकान, कल जो पूजा होने वाला है, पूजा के लिए यहाँ पर चलने वाली है खरीदारी, तो पूरा लिस्ट यहाँ पर तैयार है, कल कुछ सामान ले लिया गया था, जो जो बचा हुआ है अभी सारा इस लिस्ट से देखा जा रहा है, कुछ छूटे ना, कुछ छूटे ना, देख लेना, हर बार पूजा में कुछ ना कुछ रह ही जाता है, फिर पंडित जी भड़क ना जाए। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, अपने अंकल ही है, देख भी रहे थे, कोई बात नहीं, तो हम लोग कोशिश करते हैं जी कि कुछ ना कुछ सब कुछ ले ले, हो ही जाता है कुछ, ठीक है तो जल्दी से ले लो। तो कुछ सामान सब तो ले लिया जी, बाकी आप लेने आए हुए हैं मिठाई, तो यहाँ पर देख रहे हैं पेड़ा और लड्डू, जो कि हम लोग तो के यहाँ पर साथ में चढ़ता ही है, और हमारी मुंशी जी जो है यहाँ पर अपना सारा देख रही है हिसाब किताब पूरा, एक भी सामान छूटना नहीं चाहिए मुंशी जी, दरमा कटेगा फिर, एक सामान नहीं मिसना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सुनो भैया जो है ना कितना अच्छा इंटीरियर करा लिए हैं, अच्छा खासा करवा लिया, उस टाइम हम लोग आते थे, बिल्कुल बिल्कुल, और बाहर भी अच्छा खासा सजा लिया इन्होंने एकदम, ये वाला जो काम होता है ना सबसे कठिन काम होता है, क्योंकि छूटेगा तो मेरे पे ही आएगा, इस वजह से इसके बाद हम पापा को थमाएंगे। अच्छा बहुत अच्छा, यहाँ पेटी सब भी खाना खा लेना, कुछ पेट पूजा करना है नहीं, लड्डू भी कर दीजिएगा भैया, 5 किलो अलग से, हाँ 1 किलो अलग से, 5 किलो अलग। यहाँ पर हमारी साली साहब सब भी आ गए हैं, तो बगल में साली साहब का घर था उसको बुला लिया गया है, और एक पूजा का सामान के लिए इतने सारे लोग हैं हम लोग यहाँ पर इकट्ठा। पहले की बात याद कर रहे हैं, हम लोग फूल चुराने के लिए जाते थे दूसरे के यहाँ पे, अच्छा सवेरे 4 बजे, अगर मालिक
अगर हाँ। मालिक जग जाता था 4 बजे तो 3 बजे जाते थे। अच्छा है पीसी में कोई धारा नहीं है फूल चुराने का, नहीं तो तुम लोग पकड़ा जाता। और अगर 3 बजे मालिक जग जाते थे फूल उसका अनार भी चोरी करते। अरे बाप रे बाप, ये तो हो गया फूल खोल दिया, एक ही अनार तोड़े थे एक एक। यही तोड़ी थे, यही तोड़ा था। बात आ गए हम लोग मील पे और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं तेल, सरसों का तेल, पिराया हुआ तेल बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे 5 लीटर ले रहे हैं। मोलवा जो है सुनिए ना, मोलवा जो है डिब्बा को भी नब्बा रहा है, कितना डिब्बा सुनिए डब्बा को भी नब्बा रहा है तुम जो। तो ये रहा मील। गुड मॉर्निंग आप सभी को, मैं सुबह उठ चुकी हूँ और थोड़ी देर पहले उठी थी। अभी हमारे घर में सभी लोग उठ चुके हैं, सिर्फ 2 आदमी सोया हुआ है, एक है हमारे पतिदेव और एक है हमारा प्यारा सा लल्ला। तो नीचे चलते हैं, देखते हैं पूजा की तैयारी क्या क्या करनी है। तो हम आ गए उठ के और यहाँ पे मम्मी भी बैठी हुई है। दोनों सास वो कल गिर गए। हाँ कल मोबाइल हम तो 2 तारीख को खरीदे थे, कल बेचारा चला गया, वो चला गया, चकना चूर हो गया, चोट ठीक हो जाएगा लगी। ठीक तो हो ही जाएगा, ये तो जानते हैं, नहीं भी ठीक होगा तो कोई बात नहीं, देखा तो जाएगा। कल पहले मम्मी गिरी, उसके बाद हम गए गन्ना का जूस लेने के लिए। जूस लेके आ रहे थे तब तक उधर से एक स्कूटी वाले भैया आए, मेरे पैर पे इस पैर पे चढ़ा के चले गए। लेकिन क्या करते, वो बेचारा से गलती हो गया था, बार बार माफी मांग रहा था। तब ने बोला कोई बात नहीं भैया चले जाइए। और दीदी भी आ चुकी है काम करने के लिए, पोछा वगैरह लगा रही है, तो चलते हैं। इधर हमारी दीदी आ गई है और इधर हमारी माँ भी आ गई है, इतना सारा फूल लेकर। बहुत सारा फूल लाए, बोल दो केला का पत्ता, बोल पत्र और धतूर का जोगा, धतूर के पत्ता का और सब कुछ बोल दो, धतूर का पत्ता। अब खाली गाय का गोबर हमको लाना है। हाँ हाथ धोते हैं तब, हाथ धोइए भगवान का। ठीक है, पान का पत्ता आ गया है? पान का पत्ता, पान का पत्ता कहाँ लिखे थे? अच्छा आ गई इतना सारा फूल लेकर के, तो चलते हैं पूजा रूम में रख देते हैं। और बाकी जो फूल बचा हुआ है ना, उसको मैंने मोलू को बोला हुआ है कि मोलू ले आना, तो वो भी ले आएगा। तो पापा सारा फल लेकर के आ गए क्योंकि क्रियांश उसके पीछे पीछे दौड़ लगा रहा था। तो हमारा जो पूजा होने वाला है जी, वह होने वाला है इसी जगह पर, और यह गाड़ी को जो है बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर पूरी साफ सफाई भी हो गई है, तो यहाँ पर जो है पीतल का बर्तन दिया जा रहा है, शायद इसी में अभिषेक होगा। तो नहीं है हमको दूसरा, अच्छा फिर अब जो है उसी से काम चलाएंगे, पोता शादी में रहेंगे, अपराध है पोते के शादी माने वाला है, अच्छा रहेंगे तो हो गया। नहीं तो ऐसा करना, तुम लोग अपना एक खरीद लेना, ठीक है खरीद लेंगे, तिलके में आया है तिलक लेना बहुत खराब है इसलिए दिया, तो इसलिए पहले ही डिस्क्लेमर डाल देते हैं। ना ना तिलक में नहीं, वो तो गिफ्ट है। अगर दोनों सुनते होंगे वीडियो देखते होंगे तो एक पर आप दोनों संधि मिला के भी हमको गिफ्ट करते हैं। अचानक से एक फैसला आ गया है कि हम पूजा में नहीं बैठने वाले हैं। जी हाँ, हमारे घर में जो रुद्राभिषेक पूजा होने वाली है तो उसमें हम नहीं बैठेंगे। तो कारण है उसका जी, तो कारण यह है जी कि मुझे आज पूजा होगा और कल मुझे निकलना पड़ जाएगा कहीं पर। जी हाँ, कल सुबह सुबह ही निकल जाएंगे, तो ऐसी कुछ स्थिति है यहाँ पर। तो जिस वजह से जो है सभी लोग जो है बता रहे हैं, हाँ वो सब तो बात है, महादेव की कृपा के बिना कुछ नहीं होती है। तो भाई हमारा है ही, तो भाई जो है वही बैठेगा पूजा पर। और अच्छा है जी, चाचा जी भी बैठेंगे वहाँ पर। चाचा और पापा क्या अंतर है जी, दोनों बैठेंगे है ना? पहले तो चाचा और पापा, बेटा जो है वंश है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आप चाचा हम अंतर किया है, बिल्कुल मानो तो देव ने तो पत्थर, सही बात है जी। तो अब जो है सभी लोग घर में आ गए हैं जी, बस इंतजार है हमारी मौसी का और इंतजार है हमारे मामा जी के आने का और बाकी सभी लोग का। तो देखते हैं जी वो लोग कब आते हैं। तो वो लोग जब भी आएंगे तो माहौल में जो है और भी 4 चांद लग जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जी आज का जो यह ब्लॉग है आपको मजा आया होगा। बहुत दिनों बाद अब हमारे घर में क्या अच्छा खासा समय हो गया है, रुद्राभिषेक पूजा भी पहली बार हो रहा है। लेकिन ये भोला बाबा ऐसी क्या हो गई हमसे गलती, भोला बाबा हमारा मोबाइल 2 तारीख को खरीदे कल टूट गया और गिर भी गया।
तो कल जो मम्मी गिरी थी, मम्मी को अपना चोट का परवाह नहीं था, मोबाइल के बहुत परवाह है, मोबाइल टूट गया, मोबाइल टूट गया, तो कोई बात नहीं, मोबाइल ठीक हो जाएगा। क्या किया हमारा मोबाइल, लेके ठीक है करके पॉकेट में रख लिया, मुझे दिया नहीं, क्योंकि उस समय अगर हम बता देते कि मोबाइल खराब हो गया है तब दिक्कत हो जाता आगे का शॉपिंग वॉपिंग करने में, सोचे घर पे जा करके आराम से। और इसके पापा कह रहे तुम्हारा मुंह बच गया ना, मोबाइल टूटा तो कोई बात तो अब ऐसा करते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं यह ब्लॉग आपको मजा आया होगा, और तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।